डैड यानी कि पापा हमारी लाइफ में हमारी सबसे ज़्यादा जो फिक्र करते हैं वो कोई और पर्सन नहीं बल्कि हमारे डैड ही होते हैं, जो हमारी बचपन से लेकर जवानी तक की सभी सुविधाओं को पूरी करने के लिए अपने सभी सुखों को त्याग कर देते हैं। वो सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान को देखने के लिए, वो पापा ही होते हैं जो हम उनके जीवन में आने से पहले अपने जिंदगी को छोड़कर हमारी जिंदगी का फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं। बचपन में नन्हे नन्हे पैरों को संभालना तथा उंगली पकड़ कर संग संग चलकर चलना सिखाना तथा वो भी क्या दिन थे जो उनके कंधों पर बैठकर उन ऊंचाइयों पर भी मजे से घुमा करते थे। मगर आज हम प्लेन में भी बैठकर उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे जिन ऊंचाइयों को हम बचपन में अपने डैड के कंधों पर बैठकर छुए थे। हम कितना हो भी बड़े क्यों ना हो जाएं, या फिर कितना हो भी बड़े पोजीशन पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन हम कभी भी अपने डैड से बड़े नहीं हो पाएंगे। हम अपने ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए चाहे कुछ भी कर दें, मगर हम बचपन का सिर्फ एक रात का भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे जो पूरी रात जग कर हमारी देखभाल किए थे। हमारे लिए हर बार खिलौने लाना, नई साइकिल खरीदना तथा सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि वे हमें कभी रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो पिता ही होता है जो हमारे लिए अच्छे विद्यालयों में हमें पढ़ाने के लिए दौड़ भाग करता है। वो उधार लाकर डोनेशन भरता है तथा ज़रूरत पड़ने पर किसी के भी हाथ पैर पड़ता है। वो पिता ही होता है हर कॉलेज में साथ साथ घूमता है, हमें रहने के लिए हॉस्टल ढूंढता है, सौंप फटे कपड़े पहनता है और हमारे लिए नई जीन्स टी शर्ट लाता है। वो खुद खटारा फ़ोन चलाते हैं मगर हमारे लिए स्मार्टफोन लाते हैं और हमारी एक आवाज़ सुनने के लिए उसमें पैसा भी भरवाते हैं। पिता का प्यार दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वे कभी कभी हमारी गलतियों पर गुस्सा दिखा देते हैं मगर वे कभी भी अपने दुखों को बयां नहीं करते हैं। लोग तो हमारी ऊंचाइयों से जलते हैं बल्कि हमारे लाइफ में सिर्फ डैड ही होते हैं जिन्हें हमारी सफलताओं पर बहुत ज़्यादा फख्र होता है। जो इंसान हमारे लिए इतना सब कुछ किए उनके साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं करनी चाहिए जिनसे उनके दिल दुखे या फिर उनके आँखों में आंसू। कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे डैड आज भी इतने ज़्यादा दूर में काम करते हैं और वो भी सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग कोर्स फाइनल कराने के लिए, ताकि वो कॉलेज फीस जमा कर सकें। हमारी ये वीडियो आप अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं तथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।